नमः संस्कृताय, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। ऋषियन आश्रम से लौटने के बाद अब गुरुजी पूरे टीम को लेकर के धारकुंडी आश्रम जा रहे हैं। धारकुंडी आश्रम में अघमर्षण कुंड में सब लोग स्नान करेंगे और आश्रम का भ्रमण करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। नीचे आ जाए, सही जंगल भोजन हम लोग यही कहीं से आए होंगे ना, वो रास्ता है इधर से। इधर भोजन में क्या है? वो पूरी पूरी सब्जी। अरे हम लोग सोच रहे थे, देखिए यही से आए हैं हम लोग, वो वाली रास्ता, वो रास्ता बीच में जो गायब दिख रहा है वही से। कितना घना जंगल है। सब लोग यहाँ से अब भोजन करके फिर आगे की यात्रा करेंगे। सुबह से सब लोग ऐसे यात्रा कर रहे हैं। दूर जाते रहिए लेकर। अरे सब्जी से इधर कर लीजिए। ये बैठिए बैठ। सभी लोग स्नान कर चुके हैं और सब लोग अब आश्रम की तरफ जा रहे हैं। ये जहाँ सब लोग स्नान किए हैं, गए हैं, देखे हैं, ये अघमर्षण कुंड के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि यहाँ पांडव जब अपना महाभारत के युद्ध के बाद उनको ये हुआ कि किसी ऋषि ने बताया कि इतना पाप किए हैं, इतने लोगों को मारे हैं,
तो इनको अघमर्षण कुंड में सप्तमी रविवार को स्नान करेंगे, तब जा करके इनका पाप धुलेगा। वो कम से कम 5-10 वर्ष तक प्रतीक्षा किए द्वापर युग में कि सप्तमी में रविवार पड़ जाए लेकिन उनको 5-6-10 वर्ष तक द्वापर में कोई सप्तमी रविवार नहीं पड़ा। अंत में उनको यहाँ से जाना ही पड़ा। और जाते जाते फिर युधिष्ठिर श्राप दे गए कि कलयुग में प्रत्येक वर्ष ये सप्तमी रविवार आएगा। तो अब ये कलयुग चल रहा है और साल में 2-4 बार सप्तमी रविवार आता है और बहुत भीड़ लगती है, अपार भीड़ लगती है, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, स्नान करते हैं। हाँ, नहाने का बहुत जो है यहाँ फल यक्ष प्रश्न और हाँ, उसके पहले यक्ष प्रश्न हुआ था जब पांडव 5 भाई थे और पांचों उनको प्यास लगी थी और वो पानी पीने के लिए आते थे, तो यक्ष प्रश्न करता था कि मेरे पहले प्रश्नों का जवाब दो तब पानी पीना, नहीं तो पत्थर बन जाओगे। तो अब वो महाबलशाली तो है ही, वो कहते थे कैसे बन जाएंगे, और जैसे पानी उठा के पानी पीने तो वो पत्थर बन जाए। फिर अंत में आई युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को भी यही उन्होंने कहा कि पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा हाँ आप बताइए जो भी प्रश्न है, अगर हमसे हो सकेगा तो उत्तर देंगे। फिर उन्होंने कई प्रश्न किया, युधिष्ठिर ने पूरा जवाब दिया और वो खुश हो गए। फिर उन्होंने चारों भाइयों को जीवित कर दिया। अघ माने होता है पाप और मर्षण माने दूर करना। अघमर्षण माने जिस कुंड में स्नान करने से पाप दूर होता, और वो रविवार सप्तमी के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसीलिए इस कुंड में आए तो हम लोग नहाए, क्योंकि इस कुंड में हमारे नाना जी बताते थे कि इस कुंड में आके नहाना चाहिए। लेकिन ये लोग ना सोचे कि जो नहीं नहाए हैं उनके पाप नहीं धुल जाएंगे, इसलिए कि पहले बताए नहीं गए थे, नहीं शायद वो लोग भी नहा लेते। अब गुरु जी सबको लेकर के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। आगे की यात्रा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमो संस्कृताय।